नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है बहुत बहुत मेरे चैनल मल्टी टास्किंग मोटिवेशनल मी में। आज मैं आपके सामने पालक पनीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही सिंपल और बहुत बढ़िया पालक पनीर की रेसिपी है और न्यूट्रिशंस भी है। ऑयल गर्म हो गया, मस्टर्ड ऑयल है ये फॉर्चून का। इसमें मैंने डाला जीरा, ठीक है, जीरा थोड़ा सा स्पार्कल हो जाएगा। तो इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, पेस्ट नहीं डाला इसको मैंने, कद्दूकस किया, ग्रेट किया, फाइन, ठीक है। और इसका कच्चापन थोड़ा सा निकालेंगे, वैसे इसका कच्चापन थोड़ा सा भूनता है, इसको थोड़ा सा फ्राई होता है, इसको सॉटे जब तक इसकी थोड़ी खुशबू आ रही है। फिर इसमें मैंने प्याज को मिक्सी में ग्रेट किया। इसको थोड़ी सी मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम फ्राई करेंगे प्याज अच्छे से। जब तक ये फ्राई हो रहा है आपको मैं बता देती हूँ कि ये है पालक। देखिए इसका कलर कितना बढ़िया आया, ये एकदम ग्रीन, डार्क ग्रीन, बॉटल ग्रीन बोल रहे हैं, ये देखिए है ना कितना अच्छा कलर है। एक्चुअली इसको मैंने पानी बॉयल किया एक पूरा पतीला भर के 2 लीटर के करीब से, और उसमें 1 किलो पालक अच्छे से पहले साफ की, उसको काटा, और फिर जब पानी बॉयल हो गया तो उसके बीच में मैंने डाला, उसमें 1 चुटकी नमक डाल दिया और 1 चुटकी मैंने चीनी। वो सॉल्यूशन इतना अच्छा बन जाता है जिससे कलर डार्क हो जाता है पालक का। तो ये इसका टिप है, ट्रिक है। और फिर मैंने कोर्स पीस लिया इसको, बिल्कुल बारीक नहीं, वो मेहंदी की फॉर्म लगती है तो खाने में टेस्टी नहीं लगता, मज़ा नहीं आता वो खाने में। ये एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल, एकदम होटल ढाबा स्टाइल बनता है, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका क्या किया मैंने। अभी इसमें मिक्स फ्राई हो रहा है यार, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है क्योंकि हमने जिंजर गार्लिक का जो कद्दूकस किया था मैंने उसको पहले फ्राई किया। अब इसमें आप देखोगे कि मैंने ये कोट कर रखा है, बिल्कुल बारीक पीसने से इसका ना टेस्ट इतना अच्छा नहीं आता, कोर्स में हर चीज़ अच्छे टेस्ट करती है। अब मैं इसमें जो हमारा जार था उसमें पानी डाल दिया। एक्चुअली मैं कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस में देखा होगा, हमें कुछ भी वेस्ट नहीं करना, सब हमें यूटिलाइज करनी पड़ती है। मैंने अपना पनीर भी ये छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया हुआ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो ये प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो रहे हैं हमारे, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें टर्मरिक पाउडर। मैं फ्रेंड्स गरम मसाला भी साथ में ऐड कर देती हूँ, गरम मसाला, और ये मेरा एक सीक्रेट मसाला जिसमें बहुत सारे स्पाइसी है, थोड़े थोड़े थोड़ी सी ग्रेवी में कलर देंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं डालना।
से जो मैंने मिक्सर के जार में से पानी निकाला था, इस स्टेज पे वो पानी को ऐड कर दूँगी। फ्लेवर भी चला गया, पानी भी चला गया, तो मसाला नीचे भी नहीं लगेगा। अब इस तेल में जाएंगे इसमें कटे हुए चॉप्ड टमाटर। बस अब इसको मैं ढक के रख दूँगी 10 मिनट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं 10 मिनट बाद। देखिए इसका टेक्सचर चेंज हो गया है, और अभी 10 मिनट और हमें रखना है। इसे आफ्टर 10 मिनट्स फिर देखते हैं कैसे ग्रेवी का टेक्सचर होता है, क्योंकि अभी तो इसमें दिख रहा है मेरे को, टमाटोज भी दिख रहे हैं और अनियन भी। ठीक है, मिलते हैं 10 मिनट में। ये आफ्टर 10 मिनट्स मेरे को थोड़ा मसाला लगा कि भुन गया है, तो मैंने इसमें पालक डाल दी। ठीक है, ये पालक डालने के बाद इसका टेक्सचर देखिए कैसे। अब इसको हमने ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर इसका कलर चेंज होता है। हीट जैसे लगती है तो इसका कलर चेंज हो जाता है। मैंने पनीर ऐड कर दिया, बस 2-3 मिनट इसको करना है, और पौष्टिक भी बनेगा और कलरफुल तो है ही है। ये कलरफुल भी है, पौष्टिक भी है और टेस्टी भी है, तीनों चीज़ें। ऐसा नहीं कि टेस्ट नहीं है। और इसमें पनीर भी ऐड कर दिया, बस 2 मिनट और इसको फ्राई करना है, और हमारा पालक पनीर विदिन 20 मिनट्स रेडी हो गया। ये है मेरी रेसिपी आज की। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए मेरे पेज को। मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन बाय।